Hey guys, welcome back to my channel IB's Corner. IB stands for Isha Bhalla, that's me, my name. तो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ एक वीडियो जिसमें मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ गुड वाइब्स के कुछ प्रोडक्ट्स का. मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ हॉल शेयर करा था, पर्पल हॉल, जिसमें मैंने आपको प्रोडक्ट्स दिखाए थे. तो आज मैं उन कुछ प्रोडक्ट्स का आपके साथ रिव्यूज शेयर करने वाली हूँ. तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ आगे रिव्यूज देखने के लिए. तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट कमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले. सबसे पहले आप मेरी वीडियोस देख पाएं, लाइक कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरे एफर्ट्स पसंद आए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो आज मैं, जैसे कि मैंने आपके साथ पहले शेयर करा था प्रोडक्ट्स को, तो मैं उनका रिव्यू करने वाली हूँ. ये मुझे बहुत पसंद आया, शी बटर गुड वाइब्स का है, बॉडी लोशन है, बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी, अच्छी, सबसे अच्छी चीज की पंप में है. इनकी जो भी ज्यादातर प्रोडक्ट्स हैं कोई पंप में है, फेस वॉशेस भी पंप में है और गुड वाइब्स के टोनर स्प्रे में है, तो बहुत ही अच्छी चीज है. तो ये थोड़ी सी मिनी सी क्वांटिटी ही काफी होती है, अच्छी क्रीमी है कंसिस्टेंसी और जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, अच्छी नरिशिंग लगती है. ये नहीं कि बिल्कुल लगाया और एब्जॉर्ब हो गई, ड्राई हो गई, नहीं, क्योंकि बॉडी लोशन है, शी बटर है, तो वो ऑब्वियसली वो अच्छे से आपको थोड़ा सा इसमें रब करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अच्छे से मसाज देनी पड़ेगी. तो बहुत ही, आप देखिए अभी भी थोड़ी सी क्रीमीनेस है इसमें, बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत ही प्यारी खुशबू है इसकी, एकदम मस्त वाली खुशबू है. तो ये आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज करता है. मॉइस्चराइजर बहुत ज़रूरी है, समर्स में भी ज़रूरी है, जब भी आप बाथ लेके आए, वैसे ही आप हैंड वॉश करते हैं और रात को सोने से पहले आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज अपने हाथ पे, बाजुओं पे, अगर आप थोड़ा सा, हाथों पे बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे हाथ धुलते रहते हैं, काम करो तो हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं. तो ये आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, येस फ्रॉम मी फॉर दिस प्रोडक्ट. नेक्स्ट है मेरे पास गुड वाइब्स का, मैंने आपको दिखाया था मेरी लास्ट वीडियो में. ये है फोमिंग फेस वॉश है, ब्राइटनिंग फेस वॉश है. मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट मैं कोई और अब वेरिएंट ट्राई करूँगी, अलग अलग वेरिएंट्स ट्राई करूँगी और आप लोगों के सामने उसके रिव्यूज़ लेके आऊँगी. तो ये है, पंप में आता है फोमिंग फेस वॉश, देखने पे यहाँ से लिक्विड ही है बट जो उसकी बॉटल जिस तरीके से बनी हुई है, अंदर से फोम निकलता है. मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मज़ा बड़ा आता है इसे फोम निकालने में, बहुत ही अच्छी. वन टू टू पंप्स, हाफ हाफ, अगर आप एक पंप पूरा प्रेस करें तो बहुत है, बहुत ही है, बहुत और अच्छा वाला फोम है. ये देखिए, मतलब आपको सोप या कोई नॉर्मल फेस वॉश अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें फोम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी फोम क्रिएटेड है इसमें और क्रीमीनेस है, बहुत ही अच्छा है. मैंने यूज़ करा, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है फेस पे. के प्रोडक्ट्स में जो है खुशबू, जो फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छी है. नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ ये ऑरेंज का, सॉरी गुड वाइब्स का ऑरेंज जेल जो है, ये मैंने यूज़ करा है. एकदम से लगाते ही ना जेल एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, आपके स्किन को नरिश रखता है, थोड़ा सा टाइटन देता है. जब भी आप फेस वॉश करें, फेस वॉश ही आपका फोमिंग फेस वॉश हो गया, फेस वॉश करें, टोनर अप्लाई करें, उसके बाद आप जेल लगाएं और फिर आप इस पे, इसके बाद आप कोई भी अपनी क्रीम लगा सकते हैं, ताकि, क्योंकि जेल से आपका क्रीम वाला पर्पज सॉल्व नहीं होता है, आपकी स्किन थोड़ी सी टाइट हो जाती है. तो ये है कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है, ये अभी मैंने थोड़ा सा ही यूज़ करा है. ये कुछ ऐसे कैप में आता है, लिड में. खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है, जितनी फेस वॉश की नहीं है, जितनी भी जेल है. अभी मैं मैंगो जेल आपके साथ उसका भी रिव्यू शेयर करूँगी. बहुत अच्छी खुशबू है, जैसे हम लिटरली हम ऑरेंज पील करते हैं उस वक्त जो खुशबू दूर तक जाती है, जो खुशबू आती है वो वाली खुशबू है. बहुत बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है. ये है इसकी कंसिस्टेंसी, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी नहीं है, जेल की जैसे होती है वैसी है. ये देखिए, अच्छी से इसे आप अपने फेस पे ऐसे रब कर लीजिए 2 मिनट्स के लिए, अच्छे से इसे फेस पे एब्जॉर्ब हो जाने दीजिए. जब भी आप फेस वॉश करें 2-3 सेकेंड्स का, सेकेंड्स का आप थोड़ा सा फेस को ड्राई हो जाने दीजिए, टॉवल ड्राई करें और उसके बाद अब अपना टोनर अप्लाई करें. टोनर को डैप डैप करके अपने फेस में अप्लाई करें,
टोनर थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद आप कोई भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जब भी आप 2-3 प्रोडक्ट्स, आप मेकअप भी करते हैं तो आप कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो हमेशा गैप दीजिए, कुछ कुछ सेकेंड्स का गैप दीजिए ताकि वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। फ़ायदा तभी होगा लगाने का जब वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। आप एक के बाद एक के बाद एक एक प्रोडक्ट्स लगाते जाएंगे, लेयर लगाते जाएंगे, तो उससे कुछ नहीं होगा, आप ही के स्किन में हैवीनेस आएगी, फेस पे आपको हैवी हैवी फील होगा जब तक आप उसे एब्जॉर्ब नहीं करने देंगे। तो देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ये देखिए बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। नेक्स्ट टोनर, यस ये है गुड वाइब्स का टोनर, ये कुछ स्प्रे उसमें आता है, रोज टोनर है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसके भी। मैं सबका यही बोल रही हूँ फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है क्योंकि जेल की और टोनर्स की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। ये मैंने कि अभी टोनर मंगवाया, पहले मैं गुड वाइब्स का नहीं सॉरी पहले मैं बायोटिक का कुकुम्बर टोनर यूज़ कर रही थी, वो भी बहुत अच्छा है, उसमें कोई ऐसा सच फ्रेग्रेंस नहीं है बट इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, बहुत ही फ्रेश फील होता है जब आप इसे टोनर को यूज़ करते हैं ना। मैं आपको स्प्रे करके दिखाती हूँ इसे, बहुत ही रिफ्रेशिंग है बहुत। ये आप जनरली टोनर आप वैसे आपके ओपन पोर्स को क्लोज करता है, ऐसे जब आपने ये डैब थोड़ा सा डैब कर दीजिए इसे, बस ये आपके एकदम से ही ड्राई आउट हो जाता है, पोर्स में अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, पोर्स मिनिमाइज करता है कोई भी टोनर। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, प्रॉपर पूरी रोज की फ्रेग्रेंस है। हर्बल प्रोडक्ट्स है तो फिर एल्कोहल, नो एल्कोहल, नो पैराबेन, नो सल्फेट, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स है तो नेचुरल है, आप इजीली अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, ग्लो आ जाता है, अगर आप देखें आप नोट करा हो आपने, मैंने अभी आप लोगों के सामने ही अप्लाई करा है, हल्का सा ही अप्लाई करा। आप इसके 2-3 पंप्स यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट पंप कीजिए थोड़ा सा ड्राई आउट होने दीजिए 2-3 सेकेंड्स के लिए, फिर सेकेंड पंप यूज़ कीजिए। जैसे कि आपको पता होगा कि कोरियन जो भी हैं, कोरियन लोग जिनकी कोरियन स्किन के जो भी प्रोडक्ट्स वो आते हैं तो वो लोग हमेशा टोनर यूज़ करते हैं तो उसकी लेयर्स बनाते हैं टोनर की। ये नहीं कि आपने एक बार यूज़ कर लिया छोड़ दिया, आप एक बार स्प्रे कीजिए फिर थोड़ा सा सेकेंड्स दीजिए वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ऐसे आई थिंक 7 लेयर्स तक करते हैं, तो इसका कोई ऐसा हार्म नहीं होता, आपके पोर्स ही क्लोज करता है। और ग्लो टोनर है तो ग्लो आता है, ये शाइन आ जाती है इससे, ये देखिए इंस्टेंट। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस विच आई गॉट फॉर फ्री, ये मुझे फ्री में मिला था एलीट की मेम्बरशिप लेने पे पर्पल की तरफ से, हवाना मैंगो हाइड्रेटिंग जेल। मैं नेक्स्ट वो जेल मेरी हो जाए फिनिश यूज़ करके मैं जल्दी ये वाली मंगवाने वाली हूँ, इसकी फ्रेग्रेंस सॉरी इसकी जो है कंसिस्टेंसी, इसकी फ्रेग्रेंस बड़ी अच्छी है, प्योर मैंगो वाली है, छोटी सी है, 10 ml का है तो उसमें बहुत कम प्रोडक्ट होता है। ये आप देख सकते हैं येलो कलर की है, मैंगो वाली है तो ऑब्वियस है, जेल फेस को बड़ा हाइड्रेट करता है। मैंगो में वैसे ही बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, खाने में तो होता ही, बड़ा स्वाद है, सबका फेवरेट होता है मैंगो, तो एक्ने स्पॉट्स रिड्यूस करता है, डलनेस दूर करता है, और एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, मैंगो में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, तो यस इट्स अ गुड प्रोडक्ट, गुड टू गो। जब भी आप फेस पे थोड़े से स्पॉट्स देखें, एक्ने देखें तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स को थोड़ा वैसे भी प्रोडक्ट्स को चेंज करके ही यूज़ करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे कि आप कोई भी फेस वॉश यूज़ करते हैं तो आप पहले कोई फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया जैसे कि मैं पहले पोमोग्रेनेट का मैंने यूज़ करा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ ली स्किन में, फिर लेमन का यूज़ करा। ये नहीं कि आप एक ही ले रहे तो वही फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको पैक में मिला के यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप पैक बनाएं तो आप उसमें अपना यूज़ कर सकते हैं, इसे हेयर पैक में यूज़ कर सकते हैं। तो यस इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट अप विद तो नेक्स्ट है, ये मैंने पर्पल से लिपस्टिक मंगवाई थी, अभी एक ही मैंने ये मंगवाई है, हाइकिंग पार्टनर। पहले मैंने NYBA की लिप क्रेयॉन्स यूज़ करे हुए हैं, तो ये इसका मैं आपको स्वॉच दिखा देती हूँ, ये है हाइकिंग पार्टनर 11 और 3.5 ग्राम की इसकी क्वांटिटी होती है, ये देखिए
वन स्ट्रोक, सिंगल स्ट्रोक है, इतना मतलब पिगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, कलर बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा न्यूडी शेड है, बहुत प्यारा कलर है ये। आप इसकी ऐसे लेयर्स अगर ये 2-3 स्वॉचेस अगर आप 2-3 बार अप्लाई करेंगे तो ये इसका कलर आएगा, बहुत ही प्यारा कलर है, मस्ट बाय है ये न्यूड, जिनको भी न्यूड शेड्स पसंद है ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वाला शेड है और स्मज प्रूफ है, ज़्यादा वो नहीं है, स्टिकीनेस नहीं है, ड्राई आउट हो जाता है बहुत जल्दी, हल्की सी शाइन रहती है बट ट्रांसफ़र है, थोड़ा सा ट्रांसफ़र करता है ये। अगर आप देखें इसे मैं, तो ये ट्रांसफ़र हुआ है, बिल्कुल हल्का सा ट्रांसफ़र हुआ है, ज़्यादा नहीं है, स्टे ऑन पावर है, थोड़ी देर तक 3-4 आवर्स तक रहता है, 4-5 आवर्स तक आराम से रहता है। और यस, इट्स अगेन अ वेरी नाइस प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रांड पर्पल। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी अगर आप नेक्स्ट मेरे से कोई वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए मैं क्या वीडियोस बनाऊँ, मैं कोशिश करूँगी वो आपके सजेशंस को फॉलो करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।